सिंह राजधानी भोपाल की खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज सीहोर दौरा है। बुदली और आबली घाट में कई विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो आपको बता दें, हितग्राही मूलक योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीहोर दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का, बुदली और आबली घाट में कई विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हितग्राही मूलक योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा है, योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर दौरा है, इस दौरान वे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो बुधनी और आमली घाट में कई विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीहोर दौरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का, तो बुधनी और आमली घाट में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, हितग्राही मूलक योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीहोर दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, इस दौरान विकास कार्यों की सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देंगे, योजना के हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, शरद व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आज सीहोर दौरा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, कितने बजे वो सीएम पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम उनके वहां पर होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिनों से लगातार मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में रहे और अब वो बुधनी दौरे पर, आज सीहोर दौरे पर रहेंगे, विभिन्न आयोजनों में शामिल होंगे, विभिन्न प्रायोजनों में शामिल होंगे। कुछ देर बाद वो निकलेंगे यहाँ से, और निकलने के बाद वो वहाँ पर विभिन्न जो भूमि पूजन है, विभिन्न विकास कार्य, विभिन्न विकास कार्यों के साथ साथ जो तमाम अधिकारी होते हैं उनसे चर्चा करें, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। मुलाकात करने के बाद फिर वे तमाम जो कार्य है, विकास कार्यों का अवलोकन करने के साथ साथ ही नई सौगात भी संभव तो वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर वो नई सौगात मध्य प्रदेश वासियों को दे रहे हैं। तो ये दौरा भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, उनका क्षेत्र माना जाता है और क्षेत्र मानने के साथ साथ ही इसलिए वो उस क्षेत्र में जाकर वहां पर लोगों को मिलना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं दौरा महत्वपूर्ण है कई मायनों में, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। और खास तौर पर बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान का एक तरीका होता है कि वे दौरा करना कभी नहीं छोड़ते, प्रवास कभी नहीं छोड़ते, वे लगातार प्रवास करते हैं, वे लगातार दौरे करते हैं और दौरे करने के साथ साथ आम जनता से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, नई सौगात देते हैं, जिससे आम लोगों का, जो नागरिक है प्रदेश के, उन लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनकी जो डिमांड्स, उनको डिमांड्स को पूरा किया जा सके, इस बात पर उनका खास तौर पर फोकस रहता है और इसे दृष्टिगत रखते हुए दौरा उनका महत्वपूर्ण है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।